नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सत्यम कश्यप। आज बात करने जा रहा हूं होम्योपैथिक पोटेंसी के बारे में और उसकी डोजेस के बारे में कि बीमारी के अनुसार आपको कौन सी पोटेंसी का सिलेक्शन वहां पर होना चाहिए और उसके रिपीटेशन क्या होंगे, यानी कि कितनी देर बाद उसको आप रिपीट कर सकते हैं पोटेंसी के अकॉर्डिंग, बीमारी के अकॉर्डिंग, और कंस्टिट्यूएंट्स जो है मेडिसिन के किस तरीके से उसको बनाया गया है इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसकी पोटेंसी क्या होगी और रिपीटेशन क्या होगा किसी एक मेडिसिन का। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक मेडिसिन की पोटेंसी क्या होनी चाहिए। तीन फैक्टर पर ये निर्भर करता है। पहला फैक्टर तो ये कि बीमारी की सीवियरिटी क्या है, एक्यूट डिजीजेस हैं या फिर क्रॉनिक डिजीजेस हैं। एक्यूट डिजीजेस वो डिजीज होते हैं जो ज़्यादा लंबे समय के लिए हमारी बॉडी में नहीं आते हैं, कुछ ही टाइम के लिए आते हैं। अचानक से कोई पेन उठने लगा है, जुकाम हो गया है, सर्दी जुकाम हो गया है या फिर बुखार आ गया है, तो वो सारे केसेस होते हैं एक्यूट डिजीजेस। कभी कभी क्रॉनिक डिजीज जो होते हैं यानी कि पुरानी बीमारी होती है तो उसमें भी एक्यूटली बहुत ज़्यादा कंडीशन बढ़ जाती है, उसमें भी एक्यूट एपिसोड आते रहते हैं। क्रॉनिक डिजीज के बारे में जाने तो हमारे शरीर पर कोई बीमारी बहुत लंबे समय से है तो वो क्रॉनिक डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि एक साल या फिर 6 महीने से ऊपर अगर कोई बीमारी है तो वो क्रॉनिक डिजीज मानी जाती है। तो एक्यूट डिजीज के केस में लोएस्ट पोटेंसी हम देते हैं, यानी कि 30 पोटेंसी लगभग हम देते हैं पेशेंट को, कम पोटेंसी उसको दी जाती है और उसके रिपीटेशन को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि उसको बार बार रिपीट किया जाता है। इसके विपरीत क्रॉनिक डिजीज के बारे में जाने तो वहाँ पर हम पेशेंट को हाई पोटेंसी भी देते हैं, यानी कि 1 mm की पोटेंसी भी दे सकते हैं, यहाँ तक कि बीमारी के अनुसार सीवियरिटी के अनुसार 10 mm तक यानी कि 10,000 की पोटेंसी तक पेशेंट को देते हैं। लेकिन वहाँ पर रिपीटेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, बार बार उसको रिपीट कतई नहीं किया जाता है हाई पोटेंसी को। 1 mm 10 mm की मेडिसिन अगर दे रहे हैं तो आपको 1 महीने में, 1 हफ्ते में या फिर 15 दिन पर उसको रिपीट किया जाता है। 1 mm है तो हफ्ते में एक बार उसको ले सकते हैं या फिर दिन में एक बार ले सकते हैं, उससे ज़्यादा बार उसको रिपीट नहीं किया जाता है। अगर पोटेंसी लो है, कम पोटेंसी है, तो उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। इसके विपरीत अगर पोटेंसी हाई है तो उसको बार बार रिपीट नहीं किया जाता है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडिसिन के कंस्टिट्यूएंट क्या है, यानी कि किस तरीके से और किस सोर्स से उसको प्रिपेयर किया जा रहा है, इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसकी पोटेंसी क्या होगी और उसका रिपीटेशन क्या होगा। नो सोर्स जो होते हैं होम्योपैथी में, यानी कि एक डिजीज पार्ट से होम्योपैथिक दवा बनाई जा रही है, जैसे कि थायरोइडिनम, सिपिलिनम, बैसिलिनम, ये सारे नो सोर्स हैं। एक डिजीज पार्ट से ये होम्योपैथिक दवाएं बनाई जाती हैं। तो नो सोर्स के केसेस में कभी भी इनको लो पोटेंसी में नहीं दिया जाता है, इनको हमेशा हाई पोटेंसी में दिया जाता है, कम से कम 1 mm की पोटेंसी में दिया जाता है और बार बार रिपीट नहीं किया जाता है, एक लंबे ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल पर इनको रिपीट किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है होम्योपैथी में, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं पोटेंसी में तो मटीरियल जो है जिससे होम्योपैथिक दवा बनाई जा रही है उसकी मात्रा कम होती जाती है और जो होम्योपैथिक दवा की डायनेमिक एनर्जी है वो बढ़ती जाती है। तो नो सोर्स के केसेस में क्या होता है कि वो डिजीज पार्ट ऑलरेडी है, तो लो पोटेंसी अगर हम उसकी देंगे तो मटेरियल की क्वांटिटी वहाँ पर ज़्यादा होगी, हमारे शरीर के लिए वो हानिकारक साबित हो सकती है। हाई पोटेंसी अगर हम उसकी देंगे तो मटेरियल की क्वांटिटी तो वहाँ पर कम हो गई है, ड्रग की जो डायनेमिक एनर्जी है वो बढ़ गई है, तो वहाँ पर हानिकारक कुछ साबित नहीं होगा, किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट या फिर हानिकारक वो हमारे शरीर के लिए साबित नहीं होगी और जो उसका एक्शन है, जो उसको करना चाहिए एक बीमार टिश्यू पर, उसका सेंटर ऑफ एक्शन वहाँ पर जाकर अच्छे से वो करती है। इसीलिए जो है नो सोर्स की हाइपोटेंसी दी जाती है और बार बार उनको रिपीट नहीं किया जाता है। तो इस बात पर भी निर्भर करता है पोटेंसी का सिलेक्शन और रिपीटेशन कि किस तरीके से उसको प्रिपेयर किया जा रहा है। ऐसे मैं आपको एक जनरल रूल बता देता हूँ पोटेंसी सिलेक्शन के बाद मेडिसिन का। अगर 30 पोटेंसी आप ले रहे हैं तो उसमें 3 आ रहा है, दिन में 3 बार उसको ले सकते हैं सुबह दोपहर और शाम। 200 की पोटेंसी है तो दिन में 2 बार उसको ले सकते हैं सुबह में और शाम में। अगर 1 mm की पोटेंसी है यानी कि 1000 की पोटेंसी है तो उसमें 1 है तो दिन में 1 से ज़्यादा बार उसको आपको नहीं लेना। ये ऐसे एक जनरल रूल है जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। साथ ही साथ बीमारी की सीवियरिटी पर भी निर्भर करता है कि होम्योपैथिक दवा की पोटेंसी क्या होगी, उसका रिपीटेशन क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया अभी। तो अक्यूट डिजीज अगर कोई है यानी कि एकदम से कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो वहाँ पर बार बार रिपीट होम्योपैथिक दवा को किया जाता है, लेकिन क्रॉनिक बीमारी यानी कि बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, कोई ऐसे कोई एक्यूट सिम्टम्स अचानक से सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो उसका इलाज आराम से किया जाता है। उसमें लोएस्ट पोटेंसी भी दे सकते हैं, हाई पोटेंसी भी दे सकते हैं बीमारी की सीवियरिटी के अनुसार। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। तो पोटेंसी का सिलेक्शन और रिपीटेशन मेडिसिन का बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है, बीमारी की सीवियरिटी क्या है, एक्यूट डिजीज है कि क्रॉनिक डिजीज है, मेडिसिन के कंस्टिट्यूएंट क्या है, किस सोर्स से उसको बनाया जा रहा है, नो सोर्स है या फिर वेजिटेबल सोर्स है, मिनरल सोर्स है या फिर मदर टिंचर है,
क्या इसके सोर्सेज हैं इस बात पर भी निर्भर करता है। मदर टिंचर के केसेस में जाने तो जनरली उनको दिन में 3 बार लिया जाता है, 10 से 15 बूंद यहाँ तक कि 20 बूंद भी इसके थोड़े से कप पानी में ली जाती है और उसको पी लिया जाता है। इंस्टेंट एक्शन करता है मदर टिंचर जो होता है। अगर आप उससे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है, वहाँ पर जाकर आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।